नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। हाँ दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर में अपने लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करें, सामान्य बनाएं। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ घरेलू उपाय। तो दोस्तों, हमारे घर में बादाम होता है, देखिए यह बादाम। तो उसको करना क्या है, रात को सोने से पहले इसे जो है 8 या 10 ठोक भिगा के रख दीजिए, और सवेरे जब ये भीग जाए तो इसको और साथ में मिश्री, हाँ दोस्तों ये देखिए मिश्री है, तो ये मिश्री है, इसके साथ इसे खाएं, और आपको जो है आपके ब्लड प्रेशर में आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा और सामान्य हो जाएगा। तो अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ, अगला उपाय है आंवला। हाँ दोस्तों, आंवला, आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। तो आंवले का आप मुरब्बा खाइए, इसका मुरब्बा बनाइए, और मुरब्बा जो है खाइए, 3 टाइम खाइए, सुबह शाम और रात को 3 टाइम इसको लीजिए, इसका मुरब्बा बना के। तो ये आपके जो है ब्लड प्रेशर को जो है वो जो है कंट्रोल में रखेगा। और आइए दोस्तों, फिर मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, आप जो है चुकंदर लाएं, चुकंदर का जूस पिए, 2 टाइम पिए, सुबह और शाम पिए, इससे भी आपके जो लो ब्लड प्रेशर में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, चुकंदर ज़रूर खाएं, अगर जूस मिले तो जूस पिए, और ऐसा खाने को मिले तो ऐसे भी खाएं। दोस्तों, अगला उपाय है गाजर का जूस। हाँ दोस्तों, गाजर का जूस और पालक का जूस। तो गाजर और पालक का जो है जूस बनाइए आप, इसका जो है जूस बनाकर आप इससे लीजिए, तो इससे भी आपको लो ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो गाजर और पालक, तो ये दोनों को अगर एक साथ खाएं तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा। तो दोनों को जो है आप जूस निकाल लीजिए, और सवेरे लेना है आपको खाली पेट, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। आपको 1 कप लेना है, दोनों ही समान मात्रा में हो। दोस्तों, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है और अगर आपको चक्कर आ गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ घरेलू उपाय। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि ये नमक है, ये नमक को आपको पानी में डालना है, इस तरह से इसे डालिए और इसे घोल दीजिए अच्छे से, और तुरंत लीजिए। ये सबसे पहला उपाय है, तो इससे आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो नमक का पानी ज़रूर लें, और अगर आपको ऐसा कहीं लगे तो आप, अगर आपको मालूम है कि आपका लो ब्लड प्रेशर है, तो नमक अपने साथ रखें, जहाँ भी आपको ऐसा चक्कर महसूस आए, लगे कि चक्कर आ रहा है, तो आप ज़रूर उसी समय आप जो है नमक का पानी लें। दोस्तों, अगर आप कहीं अगर चक्कर खा के गिर गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना, बहुत ही आसान तरीका है। जब आपको चक्कर आ जाए तो ये है शहद और ये है आंवला, तो जो है 1 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच आंवला, इसका जूस मिला के जो है आप पिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों, आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं, पूरे साल भर इसको स्टोर करके रखिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आंवले का मुरब्बा बनाइए और साल भर इसे जब भी मन में आए इसे खाएं, इससे आपका जो है ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। तो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।